भाई साहब वो देखिए आईपैक्स दिख गए यार भाई। अबे पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। पहुंच गए हैं हम लोग हिक्किम वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज और भाई अपनी यौन के साथ पहुंचे हैं और ये रहा मोनेस्ट्री। और इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब अंदर तक हवा घुस रही है एकदम। कितना क्यूट है यार, इसका क्या नाम है भाई? देखो बच्चे को देखो भाई, एक्सरसाइज हो जाती होगी आपकी। और भाई इन लोग की लाइफ कितनी सादी है मैं ये देखता हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतनी सादी लाइफ जीते हम लोग। सिटी में ये चाहते हैं बड़ी गाड़ी ले लें, ये ले लें। और सो फाइनली हम लोग ने पेट्रोल भरा लिया, फुल टंकी करा ली है। बट एक चीज़ याद रखिए, काजा में पेट्रोल पंप पे सिर्फ कैश ही यूज़ होता है, बाकी जगह हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, बट पेट्रोल पंप पे आपका सिर्फ कैश ही यूज़ होगा, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं पहले लांगजा, फिर कॉमिक, फिर हिक्किम, मतलब इसी रेंज में सब आस पास ही हैं, तो वहीं अब चलते हैं। पेट्रोल भरा लिया है और कई बार एटीएम में भी पैसे नहीं होते, तो आप लोग जैसे अगर दो दिन का स्टे है तो एक दिन मतलब पहले ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट दिन ट्राई कर लीजिए, या मैं तो कहूँगा कैश लेके आइए 5-6 हज़ार रुपये, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। बाकी अब चलते हैं किम की तरफ। भाई साहब वो देखिए आईपैक्स दिख गए यार, क्या किस्मत है हम लोग की, वो देखिए। अबे भाई, अबे पत्थर गिर रहे हैं, भाई यार आईपैक्स दिख गया। ओए भाई कितना शांत है भाई, वो देखिए नीचे भी है। नीचे से कौन आ रहा है? आप लोगों को कैसा लगा आईबैक्स भाई? दिख गया, ये सर्दियों में दिखता है। और ये हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज जा रहे हैं हम लोग इस टाइम, और वहीं पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है उसी के आगे, तो पहले हमने सोचा वो कवर कर लें। रोड देखिए ख़राब हो गई, अलग से रूट कटा है ना ये ऊपर के लिए, रोड ख़राब शुरू हो गई एकदम। तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तुलाउण वाली के दिल तेरा जदों विछूगा तां पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तुलाउण वाली के दिल तेरा जदों विछूगा तां पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तुलाउण वाली के दिल। अभी हम लोग जो पहाड़ नीचे से देख रहे थे वो देखिए पहाड़ हम लोग के बिल्कुल बगल में आ गए भाई, इतनी हाइट क्लाइंब कर ली है और पूरा ऑफ रोड रास्ता है, 8 किलोमीटर बचे हैं कॉमिक के लिए और आधा घंटा दिखा रहा है, सोच रहे 8 किलोमीटर के आधा घंटा कॉमिक और हिक्किम दोनों। भाई यार वो देखो क्या व्यू है, एकदम सामने आ गए पहाड़ बिल्कुल, हाथ से यू देखिए बराबर पैरेलल पे आ गए। चलते प्यार सो
लोग ऐसे ही फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं। हाइट देखिए कहाँ पहुँच गए हम लोग। गाँव देख रहे कितना नीचे चला गया है। वो देखिए इतने छोटे छोटे गाँव दिख रहे हैं। भैया पहुंच गए हम लोग 15,000 फीट पे कॉमिक द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। भाई अपनी धनों को लेके इतना ऑफ रोड था ना इस रास्ते पे, क्या बताऊं मैं। पूरा ऑफ रोड है ये देखिए, पूरा ऐसा ही पैच है। और कौन कहता है नहीं आ सकती यौन है, कौन कहता है? कोई नहीं कहता भाई अब कोई नहीं कहता। चलो आगे चलते। वो देखिए, ये देखिए एकदम ब्लैक पहाड़, ब्लैक मिट्टी भाई साहब। तो 2011 के सर्वे के हिसाब से कॉमिक में सिर्फ 20 लोग रहते थे। अब अभी चल के पता करते हैं कि कुछ बढ़े या कम हुए। मुझे लग रहा है कुछ बढ़े होंगे कि कम हुए होंगे। बढ़े होंगे यार, 20 लोग बढ़े होंगे। तो लेट्स डू द रिसर्च एंड आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स। सामने का व्यू देखिए आप। ओ भाई ये देखिए क्या हाइट है, हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये रही अपनी कार और ये देखिए भाई साहब सामने वाले के पहाड़ के बराबर पे आ गए। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, आवाज़ आप लोगों को पता नहीं आ रही है कि नहीं, विंड ब्लास्ट बहुत तेज होगा यहाँ पे। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, जन्नत। ये देख इधर देख, रोड आ रही है पहाड़। गिनती के घर दिख रहे हैं आप लोग को 15,000 फीट पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 घर दिख रहे हैं मुझे मुश्किल से। उससे ज्यादा तुम्हें दिख रहे हैं तो बता दो। 15,000 कुछ फीट पे यहाँ भी लोग रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप व्यू देखिए, नहीं तो काम क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? रोड का। अच्छा चलिए शुक्रिया झूले 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 झूले। कॉमिक पहुँचने वाले हैं। कॉमिक से मतलब 1 किलोमीटर रोड बहुत अच्छी बनी हुई है यार, वरना पूरा ऑफ रोड पैच है भाई। इतना क्लाइंब किया है ना हम लोगों ने, मजा आ गया। फर्स्ट गियर से ऊपर गाड़ी चली नहीं है, फर्स्ट गियर पे ही चली है गाड़ी। देखिए ऑल्टो है, 15,000 है ऊपर होगा गाँव। और देखिए वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक लिखा हुआ है भाई। इतनी 15,000 फीट पर रेस्टोरेंट खोल दिया लोगों ने। फाइनली फाइनली पहुंच गए हम लोग कॉमिक, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज। और ये देखिए किससे पहुंचे, ये देखिए आप यहाँ से। तो ये मैं तोड़ दीजिए, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, सब गाड़ी आ सकती हैं। ये देखिए ऑल्टो खड़ी है सामने, तो सब गाड़ियाँ आ सकती हैं। चलो आगे देखें क्या है, विलेज विलेज कहाँ है। ये कॉमिक है, कॉमिक मॉनेस्ट्री, हिक्की मॉनेस्ट्री है। यहाँ से वापस जाएंगे तो हिक्की का इंडिया का हाईएस्ट आएगा पोस्ट। हाँ वो तो पता है। हाँ ये है, ये लास्ट फ्लैग किसका है, फ्लैग किस चीज का है, हाईएस्ट विलेज है ये कॉमिक वर्ल्ड का ना, वर्ल्ड वर्ल्ड यस। और गांव कहाँ पे है, जो घर नॉर्मल लोकल रहते हैं? वो किप्पर गांव है, वो आगे है। नहीं यहाँ नहीं रहता कोई लोकल, ये नीचे है गांव तो है नीचे। ये कितनी पॉपुलेशन, 70-80 लोग रहते हैं? ज्यादा पॉपुलेशन कम भी है, 20-30 सड़क। अरे भाई हवा छप गए भाई, जल्दी देख लो वो रहे घर कॉमिक के। मुश्किल से 60-70 है यहाँ की पॉपुलेशन। हवा मेरी आवाज आ नहीं रही होगी, पक्का जा रहे हो क्या? देख तो रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। और भाई अपनी यौन के साथ पहुंचे हैं। और ये रहा मॉनेस्ट्री, हिक्किम मॉनेस्ट्री। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रेस्टोरेंट। और इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब अंदर तक हवा घुस रही है एकदम। और रास्ता तो आप लोगों ने देखा ही, रास्ता पूरा ऑफ रोड था।
बट मजा आ गया यार। अभी नीचे चलते हैं, विलेज में दिखाता हूँ, विलेज में 60-70 लोग रहते हैं तो विलेज दिखाता हूँ। बढ़िया, लेट्स गो। विलेज ये हम लोग आगे कॉमिक विलेज, और देखिए यार कोई है ही नहीं भाई। यहीं मैं सोच रहा हूँ साइड में लगा दूँ कार, यहीं से पैदल चलते हैं थोड़ा गाँव एक्सप्लोर करते। इतने प्रॉपर मड हाउस बने हैं यार, गजब यार गजब, मजा सा। भाई साहब 15,000 फीट पे भी लोग रहते हैं यार, ये देखो। सुबह ये जम जाता होगा पता है पानी, मतलब सर्दियों भर 24 रहते हैं लोग। ये कितना क्यूट है यार, इसका क्या नाम है? टेंजिन पर्सन है ये। आओ टॉफी वॉफी है नहीं ना, इसको दे देते भाई। बाय पानी तो ठंडा होगा एकदम चिल्ड। ठंडा नहीं है वहाँ तो, बर्फ जमी हुई है उस पानी में, घर वाले में वो देखिए वही बर्फ जमी हुई है उसमें। अब जम गया, अब जमने शुरू हो जाएगा, दोपहर में सही हो जाता होगा ना। देखो बच्चे को देखो भाई, एक्सरसाइज हो जाती होगी आपकी, इसको टांगे टांगे एक्सरसाइज। आगे जाके देख लें, मतलब देख लें जाके ना। भाई साहब बताओ, 24 लोग रहते हैं भाई, 24 लोग रहते हैं। पूरा घर देखिए अंदर मिट्टी का, दीदी का जिनसे अभी हम लोग बात कर रहे थे उन्हीं का ये। चले चलो चलो लेट्स गो भाई, अब पूरे मिट्टी के घर है भाई ये। भाई मजा सा आ गया। नीचे जो गांव था प्रॉपर, और भाई इन लोग की लाइफ कितनी सादी है मैं ये देखता हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतनी सादी लाइफ जीते। हम लोग सिटी में ये चाहते हैं बड़ी गाड़ी ले लें ये ले लें, और लोग कुछ मतलब नहीं भाई। सुबह उठेंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर काम करेंगे, खेती वेती थोड़ी करेंगे और सो जाएंगे। कपड़े वपड़े धो रहे थे जो आपको पीछे दिखाया भाई, कितनी सिंपल लाइफ। किस कोने में रह रहे हैं, हम किस कोने से आ गए बताइए। मतलब बहुत आश्चर्यचकित लगता है, मतलब ये वर्ड मैंने सेकंड टाइम यूज़ किया, एक बार शॉर्ट में किया था तो भाई। बाकी ऑफलाइन मैप वाला और बताना, और यहाँ आप जब भी आइए ना ऑफलाइन मैप ज़रूर हिमाचल पूरे हिमाचल का करके आइए। बाकी ज़्यादातर जगह चलता है बट यहाँ पे नहीं चल रहा, हिक्किम की साइड में, हिक्किम और ये कॉमिक जहाँ अभी आए हैं। तो प्लीज़ ऑफलाइन मैप करिए, और बस और कुछ नहीं बताऊंगा, बस पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं और वहीं आपको मिलते हैं। सीधा पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रास्ते तो वही सेम है। तो टाटा, जून को आज शिफ्ट कर दिया ना, 14 जून को। वाह मेरा बर्थडे होता है। और ये है पुराना पोस्ट ऑफिस जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचाते थे, बट अब कोई यूज नहीं है यहाँ पे आने का आप लोगों का, क्योंकि सारी चीजें देखिए मतलब हट चुकी है यहाँ से, बोर्ड्स वोर्ड सब हट गए।